हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को स्टडी 91 के बारे में अच्छे से पता है कि स्टडी 91 आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल समर्पित है, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है उन सभी सब्जेक्ट की डिटेल में क्लासेस देता है। तो मैं आज कुछ समस्या आपके सामने लेकर आया हूँ। आप जब कभी YouTube पर स्टडी 91 सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिखेगा वो क्या दिखेगा, यहाँ पर इस गोल सैम्बल में यहाँ लिखा होगा स्टडी 91। जब आप यहाँ क्लिक करते हो दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद आपका जो स्टडी 91 का होम पेज है वो आपको दिखता है। यहाँ पे नीचे आप आओगे तो जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं वो दिखते हैं। तो मैं कहता हूँ आपसे बार बार कि आप प्लेलिस्ट पे आ जाया करो अगर आपको यहाँ से कोई भी वीडियोज़ को पढ़ना है या किसी स्पेशल फोल्डर में जाना है। जब आप प्लेलिस्ट पे आओगे दोस्तों ना, तब यहाँ पे क्या होगा कि आपको अलग अलग फोल्डर में अलग अलग चीजें मिलेंगी। जो कुछ भी आपको पढ़ना है यहां नीचे एरो वाले पे कर दोगे तो मेरे जितने भी फोल्डर हैं वो सभी आपको दिख जाएंगे। आज क्या हुआ ना, आज मैं अपने इसी फोल्डर को देख रहा था और मैं चला अपने कहां पर जो मेरी लाइव क्लास थी उसके बारे में और मैंने प्ले किया इस लाइव क्लास को, ठीक है। ये मैं जो पढ़ाया था आप लोगों को यूरोपीय कंपनियों का आगमन, हालांकि मैं लास्ट चैप्टर पे चलता हूं, ओके। ये आता है एडवर्टीजमेंट, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज दोस्तों आप इस एडवर्टीजमेंट को पूरा देखा करिए, आप इसको स्किप मत किया करिए। तो नीचे देख रहे हैं कि लगभग एक मिनट का पूरा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो प्लीज इसको आप पूरा देख लिया करिए। और कभी कभी मौका मिले दोस्तों तो यहां पर देखिए एक सैम्बल बना हुआ है लाइक या डिसलाइक, तो प्लीज इस एड को लाइक जरूर किया करिए क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। और भी कुछ आप कर सकते हो तो यहां विजिट एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस विजिट एडवर्टीजमेंट पर जाकर के थोड़ा सा एक नया पेज खुल जाएगा, फिर वहां से वापस भी आ सकते हैं, ठीक है, देख करके। तो प्लीज अगर आप लोग इतना कर सकते हैं तो कर लीजिए। और एक चीज कहना चाहूंगा, ये यहां पर जो पॉइंट दे रहा है आपके स्किप ऐड, उसको कभी स्किप मत किया करिए। प्लीज दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कभी इस चीज को स्किप ना करें। हालांकि जो आज हमारी समस्या है वो थोड़ा सा अलग है। आज मैं जो समस्या आपसे बताने वाला हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ दोस्तों उस समस्या को सुनिएगा और प्लीज़ उसका जो समाधान मैं सोच रहा हूँ अगर आप भी मेरे तरीके से सोचोगे तो आप लोगों के लिए ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाता है हमारा वीडियो। तो अगर किसी को ज़रूरत हो जो भी यहाँ पे आ रहा हो तो उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। अदरवाइज़ ये रहा वीडियोज़, ये तो हमारा पहले दिन का सेशन वाला वीडियो था। और मैं चाहूँगा कि जो मैं अभी हाल ही में अपलोड किया हूँ वीडियो, मैं उसके बारे में दिखाना चाहूँगा कि वो उस वीडियो में मुझे क्या था। ये देखिए पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में जो वीडियो था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वीडियोस की क्वालिटी है वो आप क्या है, आपको दिख रहा है मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस तैयार किए, मेरे मटेरियल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन मटेरियल को अच्छे होने के बावजूद इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ आप क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जब कभी भी आप वीडियोस को देख रहे होते हैं तो ऊपर कॉर्नर में तीन पॉइंट दिखेगा आपको, यहाँ पर कॉर्नर में क्या दिखेगा, तीन पॉइंट दिखेगा। ये तीन पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वालिटीज़ का ऑप्शन आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्वालिटीज़ है वो 360p है, उसके बाद भी वीडियोस जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत परेशानी हो किस चीज़ की, वो दिक्कत है इसके क्वालिटी की। अब आपको लगेगा सर आप इस क्वालिटी को बेहतर भी तो कर सकते हो, जी हाँ, मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ और आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। तो अब चलता हूँ उसके बारे में बताने। अभी आप लोगों को स्टडी 91 के बारे में पूरा पता है कि यहाँ सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। शुरुआत में जो क्लासेस दी जा रही थी वो आपको क्लास नोट्स बना के दी जा रही थी, अभी भी आपको क्लास नोट्स बना के दिया जा रहा है। और हाल ही में मैंने सोचा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक्स है, या कुछ ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना उसको लाइव आके पढ़ाया जाए, ठीक है। तो लाइव आने के लिए क्या करना होगा, मुझे सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये रहा आपका क्लास, आप आज तक देखे नहीं हो, ये हमारा क्लासरूम है जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग का काम करता हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग का क्लासरूम है, रिकॉर्डिंग के लिए हमने दोस्तों इसके ऊपर एक ट्यूबलाइट भी लगा रखी है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर साइड उसका इमेज मैं नहीं ले पाया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर ट्यूबलाइट लगी है। इसके अलावा इसके फ्रंट यानी जो दूसरे साइड वाला दीवार है उस पर तीन तीन लाइट लगी हैं, तीन LED लाइट लगी हैं, एक ट्यूबलाइट लगा है और तीन LED लाइट लगा है। उसके अलावा जब मुझे क्वालिटी नहीं समझ में आया तो मैं मार्केट से लेके आया इस LED लाइट को, 100 वाट की LED लाइट है ये, ठीक है, 100 वाट की 100 वाट की LED लाइट है। और इस छड़ पे बांधा, इस छड़ को इतना लंबा इसलिए किया कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इसको अप एंड डाउन कर सकूं, ठीक है। ये दूसरे साइड वाला आप देख रहे हो, दूसरे साइड की जो दीवार है पीछे साइड पे जो मैंने बताया कि ट्यूबलाइट लगा है और इसके साइड साइड में दो LED और लगा है, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद सामने वाले अगर इसके पीछे से जाके खींचूंगा तो यही मैं बोर्ड के ऊपर बता रहा था आपको ट्यूबलाइट लगा। इतनी लाइटें लगाने के बावजूद भी मेरी आँख में एकदम लाइट सामने फोकस पड़ता ना, ये 100 वाट का बहुत हैवी है और बिल्कुल पास से पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाने के लिए हमेशा पंखे भी बंद रखता हूँ। समस्या मेरे पास है दोस्तों कि सब कुछ करने के बावजूद भी जो
लाइट इफेक्ट है वो सही नहीं हो पा रहा है, जो कैमराज क्वालिटी, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग जो करते हैं मोबाइल से करते हैं। अभी मेरे पास जो मुख्य समस्या है वो क्या है, मेरे पास मुख्य समस्या है कि मैं आपको बेहतर क्लास प्रोवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, मैं नोट्स बना कर रहा हूँ और फटाफट मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं आपको पूरी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो कुछ भी लाइव देना है वो मैं डेली टू डेली रिकॉर्ड करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल में या तो स्टोरेज की समस्या हो जाती है या तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो मेरा आज ही मन किया, आज मैं सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं अगला चैप्टर तैयार कर रहा था डच, ठीक है, क्योंकि हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके थे और डचों के बारे में पढ़ना था। तो आज हुआ क्या, मैं सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं एकदम परेशान हो गया, मैं अपने मोबाइल का पूरा स्टोरेज खाली कर दिया, उसके बाद भी ये वीडियो जाके बीच बीच में दो बार बंद हो गया, पूरा एकदम मैं फुल्ली अपसेट हो चुका था। और आज मेरे पास पैसे नहीं थे, अदरवाइज मैं तुरंत गया होता यहाँ से और तुरंत मैं कैमरा परचेज करके आया होता तुरंत, क्योंकि मैं मार्केट में गया था कैमरा परचेज करने के लिए, लेकिन वो कैमरेज आपको पता है कि आपको अच्छे क्वालिटी का कैमरा चाहिए, जो वीडियो रिकॉर्डर चाहिए वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, फिर से आपको लगेगा कि सर हमेशा वही पैसे की बात करते हैं, यार देखो आप मेरा परिवार हो, ठीक है, आप भी अपने माँ बाप से पैसे मांगते हो, जरूरत पड़ेगी आपको पढ़ाई करना है, आपको कॉपी खरीदना है, आपको किताब खरीदना है, आप तो पैसे मांगोगे ना, क्यों मांगते हो पैसे, आप नहीं मांगते हो पैसे। तो अगर आप अपने परिवार से पैसे मांग सकते हो तो क्या अगर मैं परेशानी में हूँ तो क्या मैं अपने परिवार से पैसे नहीं मांग सकता, बिल्कुल मांग सकता हूँ, मैं कोई अय्याशी करने के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं इस बेहतर इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए पैसे मांग रहा हूँ। जैसा कि आपको अभी पता है कि मैं कहीं बाहर जॉब नहीं करता, अगर मैं बाहर जॉब करता या कहीं से मेरी अदर इनकम होती तो मैं शायद उस पैसे को लाके आपके पास रख देता और उससे सारा काम कर लेता। मैंने कभी इस लैंप को लेने लगाने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगे, कभी एलईडी लाइट ट्यूबलाइट के लिए आपसे पैसे नहीं मांगे, कभी बोर्ड के लिए पैसे नहीं मांगे। कुछ लोग का कहना होगा भैया तुम कर रहे हो, तुम इसके लिए कमा रहे, यूट्यूब तुमको दे रहा है, तो यूट्यूब भैया मेरे यूट्यूब इतना पैसा नहीं दे रहा है कि एक बार में हम DSLR कैमरा ला के रख दें। हाँ, यूट्यूब इतना जरूर दे रहा है कि अगर मैं 3-4 महीने का पैसा कलेक्ट करके रखूं तो मैं एक अच्छा कैमरा परचेज कर सकता हूं, ठीक है, एक बढ़िया DSLR कैमरा परचेज कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा 4-5 महीने। दिक्कत इस बात की है कि उस 4-5 महीनों में मेरे अपने भी तो खर्च होंगे, रूम का रेंट पे करना है, जहाँ रह रहे हो बुक परचेज कर रहे हो, कॉपी परचेज कर रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो, ठीक है, हमारा अपना पर्सनल भी खर्चा है, वो भी तो मैं यहीं से निकालूंगा, क्या करूँ, माँ बाप से ले, कब तक लेगा कोई इंसान माँ बाप से, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर लोग हैं, ये लोग समझ रहे होंगे कि सर का ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी मिलते हैं, तो सिर्फ कमेंट से बात नहीं चलता। जैसे मैं कहता हूँ देश को चलाने के लिए आप आगे बढ़िए, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि Study 91 चैनल को आज आपकी ज़रूरत है और आप लोग मेरी आदत से वाकिफ हो। मैंने अपने शादी के टाइम में बोला था कुछ पैसे डोनेट करने के लिए, आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका किया था, बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय हमारी ज़रूरत थी। फिर मैंने कहा कि अभी हमको आगे कभी भी नहीं चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दूंगा, और आज भी मैं अपने प्रॉब्लम को शेयर कर रहा हूँ, इसका कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेगा। तो दोस्तों जो कोई भी अच्छे हैं, जिनको लग रहा है कि नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके दिल में जो भी हो 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी उनकी इच्छा करे वो डोनेट कर सकते हैं। किस लिए? अच्छा, ये डोनेशन मैं सिर्फ रक्षाबंधन तक ओपन रखूँगा। वजह क्या है कि मुझे रक्षाबंधन से पहले 3 दिन बाद मैं यहाँ से घर जाने वाला हूँ। अभी मैं डच वाली क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ जैसे तैसे, ठीक है, आपको मैं वीडियोज़ प्रोवाइड भी कर दूंगा, ये वीडियोज़ मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है, जैसे कर रहा था वैसे कर दूंगा, बट आपको ये ध्यान देना है कि 3-4 दिन तक आपके पास ये सेशन ओपन है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो इसके लिए, कि अगर आप समझो कि Study 91 चैनल आपका है तो करो, अदरवाइज भैया मत करो। अगर मुझे गाली देना है ना तो प्लीज़ यार पैसे मत दो, लेकिन गाली मत दो, ठीक है, नहीं चाहिए पैसे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हिम्मत है, मैं धीरे धीरे जुटा के धीरे धीरे करके खुद से परचेज कर लूँगा, लेकिन गाली मत देना यार, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम निस्वार्थ भाव से पढ़ाता हूँ, उस पैसे को लेकर के मेरे पास कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, अब मैं कोई कसम नहीं खा सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हो तो कुछ करना, केवल वही लोग करेंगे जो ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं देखो किसी के जेब से पैसे नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए मेरे पर उंगली मत उठाना कि तुम पैसे मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक, ये सुनना मैं पसंद नहीं करूँगा। नहीं देना है मत दो, वीडियो को छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास अपना हौसला है, मैं अकेले देश बदलने के लिए उठा हूँ तो बदल के दिखाऊंगा, सब कुछ पढ़ाने के लिए उठा हूँ तो पढ़ा के दिखाऊंगा, चाहे मेरा कोई साथ दे चाहे मेरा कोई साथ ना दे। तो आप अपने पैसे डोनेट कैसे करोगे या कैसे हमारे तक पहुंचाओगे, तो ये सामने स्टेट बैंक का जो है
यहाँ एक सेकंड रुकिए, ऊपर से फ्लाइट मोड कर दे, ठीक है। तो ये सामने स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, मेरा ही खाता नंबर है, ठीक है। तो इस अकाउंट नंबर पर ब्रांच जो है वो ठेकमा है, और IFSC कोड भी मैंने डाल दिया है कि अगर आप कहीं बाहर से सेंड करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। या इसके अलावा सबसे फेमस है आपका पेटीएम, तो पेटीएम के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हो। ये जो मोबाइल नंबर है मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 7007734525। पेटीएम के थ्रू भी दोस्तों आप भेज सकते हो। इलाहाबाद बैंक में मेरा एक और खाता है, उसके थ्रू भी आप भेज सकते हो। तो यहाँ पर इलाहाबाद बैंक का जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया हुआ है। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि जो भी लोग स्वेच्छा से देना चाहेंगे, जिनको लग रहा होगा कि नहीं नितिन सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि हमें क्लासेज जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे क्लास का पैसा बच गया, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने क्लास का पूरा पैसा उठा के मुझे दे दो। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, अच्छा आप लोग अपने माँ बाप से पूछ के भी दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर घर में पढ़ रहे होंगे, आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी, तो आपको पता लग रहा होगा कि नितिन सर वाकई बेहतर कर रहे हैं। तो पता है, जब भी कोई आदमी आगे बढ़ के समाज के लिए कोई काम करे ना, आप उसकी हेल्प जरूर किया करो, कम से कम उस व्यक्ति की तो हेल्प जरूर किया करो, ठीक है। और मैं अगर आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने इस स्टडी 91 चैनल को आगे बढ़ाएं और काम करें, ताकि ये और बेहतर तरीके से मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड कर सकूँ। और बाकी आप भीम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बहुत सारे लोग चला रहे होंगे, भीम के थ्रू बड़े आसानी से पैसा भेजा जाता है, तो 7007734525। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन यहाँ फोकस करिएगा, ये खाता नंबर नितेश गुप्ता के नाम से है, ठीक है। वो मेरा अपना था, यहाँ पे आप नितेश गुप्ता रखिएगा, और अकाउंट नंबर और IFSC कोड दोनों मैंने दे रखा है। बाकी फ़ोनपे जो इस्तेमाल करते हैं, फ़ोनपे में मेरे मोबाइल नंबर पर आप फ़ोनपे भी कर सकते हो, ठीक है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और लास्ट ऑप्शन है आपका तेज के माध्यम से भी मेरे मोबाइल नंबर पे आप डाल करके पैसे को सेंड कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, बड़ी उम्मीद से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, अगर आप करोगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज आप मेरे हौसले को जानते हो, मैं अपना हौसला टूटने नहीं देता हूँ। कैमरा नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन नितिन गुप्ता पढ़ाएगा और सभी चीज़ पढ़ाएगा, जैसे वो पढ़ेगा वैसे पढ़ाएगा, लेकिन कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद करोगे ना, तो मेरी खुद का हौसला बढ़ जाएगा, मेरा खुद का हौसला बढ़ जाएगा कि चलो मैंने बच्चों से कहा और बच्चों ने हमारी बात सुना। तो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको अच्छा लगे जो कुछ भी डोनेट कर सकते हो, मैंने कह रहा कि आप सब कुछ भेज के डोनेट करो, ठीक है, अपने रूम का खर्च दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कर रहा हूँ कि जो भी आप कर सकते हो स्वेच्छा से वो ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। प्लीज़ दोस्तों, निराश मत करिएगा।